हेलो भाई, कैसे हो? बस ठीक हो साहब। तो भाई, ये क्रिकेट खेलने आए हो? कैसा मजा आ रहा है अभी? ये अभी मुझे ऑस्ट्रेलिया में मैं हूँ ऐसा लग रहा है। खाली 5 mm ग्रास ऊपर अभी दिख रही है, उसके अंदर टोटली रबर और ग्रेन्यूल्स जो फिलिंग किया हुआ है वो है इसके अंदर। कैम शो, कैसे हो दोस्तों? अभी आप देख सकते हो क्रिकेट लीग मतलब कि क्या है, अभी इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अभी मैं आया हूँ अहमदाबाद के असलाली एरिया में, जो क्रिकेट ही इसको क्रिकेट बॉक्स बोलते हैं। तो चलिए आइए, मैं यहाँ के ओनर से मिलाता हूँ, समीर भाई से। जी समीर भाई, वेलकम, कैसे हो? हाय समीर भाई। तो समीर भाई, ये क्या है, मतलब ये कुछ नया कॉन्सेप्ट क्या है, ये बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाल के आप यहाँ पे आज तशरीफ लाए हुए हैं। शुक्रिया सर जी। और आपको मैं बॉक्स क्रिकेट की जानकारी के बारे में थोड़ा ये बताना चाहता हूँ सर, कि ये यहाँ पे रिंग रोड पे हमने बनाया हुआ है, और यहाँ के 15 किलोमीटर के एरिया में, रेडियस में, ऐसा कोई स्टेडियम नहीं है कि लोग आके यहाँ पे खेल सके। मतलब तो क्या पूरा, मतलब के बॉक्स एकदम पूरा बॉक्स जैसे ही है, मतलब के पूरा। ओके, चलिए दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको ज़्यादा उन लोगों को डिस्टर्ब ना हो ऐसा कवर करते हैं अपने। चलिए ज़्यादा जानकारी आगे दिखाता हूँ सर। ये कॉन्सेप्ट मैंने उसके लिए बनाया हुआ है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे, जैसे एक तो ग्राउंड नहीं रहे खेलने के लिए। जी ये बात तो सही है, ग्राउंड बहुत कम हो चुका है। और दूसरी बात ये है कि यंग जनरेशन अभी जो भी है सब ज़्यादातर मोबाइल पे लगे रहते हैं। जी जो शारीरिक और मानसिक उनको शक्ति या जो भी एक्सरसाइज वगैरह है वो नहीं मिल रही है। जी तो ये कॉन्सेप्ट के लिए क्या है कि अभी जैसा 2-3 घंटा लोग खेलेंगे तो बॉडी के लिए भी अच्छा है, एक्सरसाइज भी एक जात का हो जाता है इसमें। जी। और क्रिकेट लवर्स तो है ही पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान, और खास गुजरात तो क्रिकेट लवर है, बहुत और उसमें भी अहमदाबाद तो खास है। जी। इसके लिए कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है सर। तो सर जी मुझे ये बताइए कि जैसे ये पूरा है, मतलब ये कितने यार्ड होगा, मतलब कि ये यहाँ से लेके ये 100x60 है टोटल, 100 फीट इसका लेंथ है और 60 फीट इसका विड्थ है। ओके, बहुत ही बढ़िया। और सर जी इसके बारे में और बताइए कि ये जो घास दिख रही है वो कैसी है सर जी? ये ग्रास है, 50 mm ग्रास आया है। okay. इसके अंदर हमने ग्रेन्यूल्स और रबर्स भी इस्तेमाल किए हुए ताकि कोई यहाँ पे जंप भी लगाएंगे, गिरेंगे भी, जैसे डाइव तो मारे तो उनको कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा सर। हाँ, आप चाहे यहाँ गिर भी जाओ तो इस पे कुछ नहीं होने वाला, मतलब के कुछ होगा नहीं, मतलब इतना तो जाड़े जो बोलते अपने गुजराती में 50 mm ग्रास है, और इसमें इतना हमने, आप देख सकते हो इसमें इतना फिलिंग किया हुआ है कि खाली 5 mm ग्रास ऊपर अभी दिख रही है, उसके अंदर टोटली रबर और ग्रेन्यूल्स जो फिलिंग किया हुआ है वो है इसके अंदर। जो पिच दिख रही है वो कैसी होती है, मतलब ये पिच हमने 15 mm ग्रास में लिया हुआ है ताकि लोग बॉल आराम से उसके बैट के ऊपर आ सके और खेल सके। और इसका मैंने एक्चुअली आप हाइट देखी है, ज़्यादातर बॉक्स क्रिकेट के अंदर 20 फीट उसका हाइट रहता है, इसमें हमने 25 फीट हाइट लिया है ताकि खेलने वाला आराम से 4 और 6 लगा सके, और उसको भी थोड़ा भी फ्रस्ट्रेशन ना हो कि बॉल ऊपर टच हो जाता है नेट को। बहुत ही बढ़िया सर जी। तो चलिए दोस्तों, अभी हम समीर भाई, अभी इसका बाहर से कैसा आउटलुक है वो देखते हैं। ओके सर। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो बाहर का लुक, मतलब के अंदर भी कैपेसिटी है बाहर भी बैठने के लिए। सर जी ये अभी क्या है, आप बोला कि कोई कैंटीन जैसा भी है, मतलब? हाँ सर, यहाँ कैंटीन भी है, आइए वो देखते हैं। क्योंकि क्या है, होता है सर जी क्रिकेट खेलते हो तो उनको, ये लोग थके हुए हैं तो रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं सर कैंटीन से, और क्या उनको भूख भी लगती है कुछ प्यास के, तो ये अच्छा है, मतलब कि क्रिकेट के साथ सर जी क्या है पूरा ये, इसका भी मजा मिल जाएगा सर। और सर यहाँ पे दूसरी बात है कि आपको कोई भी नॉन अल्कोहलिक चीज़ नहीं मिलेगी सर, अल्कोहलिक चीज़ यहाँ पे नहीं है, हमने खाली सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह और जूसेस वगैरह रखे हुए हैं, और जो पैकेट्स आते हैं फूड पैकेट्स वो सब रखे हुए हैं सर। ओके, बहुत बढ़िया। मतलब कि समझ लो कोई, मतलब कि क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए आते हैं तो उनको, मतलब कि ये सब चीज़ें फैसिलिटी, वो लोग पूरे दिन के लिए भी बुक कर सकते हैं, कोई 8 टीम आता है 10 टीम कर सकते हैं वो लोग, और ऐसे करके टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और सर जी अपने यहाँ जैसे बाथरूम टॉयलेट की कैसी व्यवस्था? वॉशरूम बनाया हुआ है, सभी है मतलब पूरा चीज है सर जी, पूरा चीज है, पार्किंग है, पार्किंग की फैसिलिटीज अंदर है और सिक्योरिटी भी है आपके व्हीकल्स में। हाँ ये अच्छी बात है, मतलब के बाहर भी सर जी पूरा पार्किंग का है ना अपना स्लॉट? यस, पार्किंग है, बाहर नहीं कर सकते अपने, अंदर करते हैं प्रीमाइसिस में, और सिक्योरिटी है जो रात को 2 बजे तक 3 बजे तक भी सिक्योरिटी यहाँ पे रहता है सर जी। ये कैपेसिटी अच्छा है, जैसे कि काफी लोग क्या आते हैं, फैमिली लोग आते हैं तो उनके लिए, हाँ सिटिंग एरिया बहुत अच्छा किया है सर।
आप देख सकते हो सिटिंग एरिया के लिए पूरा चारों तरफ से हमने ऐसा बनाया हुआ है कि आराम से कोई भी आके लुफ्त उठा सकता है मैच के। मिनिमम कितने सजे ऐसे 500 लोग जैसे आ सकते हैं आराम से बैठ सकते हैं मिनिमम? अभी कैपेसिटी है जैसे कि कोई 8 मेंबर्स की 10 टीम आती है तो 80 और दूसरे देखने के लिए तो कम से कम 100-125 लोग आराम से आके बैठ सकते हैं यहाँ पे। और सर जी ये जैसे कि ये क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल तो बाहर नहीं आएगी ऐसा होगा? नहीं, चारों तरफ से नेट कवर है, ऊपर भी नेट कवर है। और सर जी ये जो लाइट दिख रही है सर जी वो अंदर है के बाहर है सर जी? नहीं, वो नेट के ऊपर है लाइट, नेट के ऊपर। मैक्सिमम हमने लाइट लगाए हुए है, टोटल 12 फॉक्सेस है जो पूरे ग्राउंड को कवर करते हैं। और बहुत ही अच्छी सर जी लाइट बोलते हैं सर जी वो भी बहुत ही अच्छी दिख रही है, मतलब कि उसकी क्लियरिटी सर वीडियो में देख के ही पता चल जाता है सर जी। देखिए हमने पूरा ग्राउंड में जो बाहर का भी कंपाउंड है उसमें पेवर ब्लॉक लगा के बनाया हुआ है ताकि यहाँ पे भी कोई आके जैसे धूल मिट्टी ना उड़े सर। धूल मिट्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, डस्ट वगैरह कुछ और भी नहीं है। पूरे सर जी चारों ओर ऐसा है सर जी? यस सर, आप दिखा सकते हो पूरे वीडियो में। आप कहीं से भी जाओ, अभी यहाँ से भी बैठो, लुक करो। और गोल पोस्ट है, वो हमने गोल पोस्ट ये पूरा यूनिक डिजाइन करके बाहर लिया हुआ है। एक लोग फुटबॉल लवर है तो फुटबॉल के लिए भी गोल पोस्ट है, फुटबॉल लवर के लिए भी है। यस, ये फुटबॉल और क्रिकेट के लिए मेन है सर। तो चलिए दोस्तों यहाँ का सामने से लुक भी देख लेते कैसा है। अभी आप देख सकते हो और ये देखिए बहुत मजा आते है। आप देख सकते हो लास्ट में दोस्तों जाते जाते हम वहाँ के जो भी प्लेयर है उनसे बात भी करेंगे। समीर भाई अपने अहमदाबाद में ऐसे कितने स्टेडियम जैसे हो गए ऐसा? अहमदाबाद में मेरे हिसाब से तकरीबन 25-30 स्टेडियम्स है। जीएमडीसी में है, निकोल में है, सोला में है, लेकिन यहाँ के एरिया में ये हमने फर्स्ट बनाया हुआ है कॉन्सेप्ट ताकि लोग आके खेल सके। और अपने असलाली एरिया में तो शायद ये पहला ही है? यस सर, असलाली है, मनीनगर है, नारोल है, वटवा है, ईसनपुर है, लांबा है, यहाँ हाथीजन है, विंजोल है। यहाँ तक की इंक्वायरी इतनी आ रही है हमारे को कि हम लोग सुबह से लेके फोन आते हैं कंटिन्यू के बुकिंग, तो हम लोग बुकिंग उनको देते हैं कि आके आप लोग खेलो। उसके लिए सर जी इधर का चार्ज क्या रहने वाला वो लास्ट में बताइए। अभी चले और भी आगे जाते हैं सर जी। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो पूरा सर जी ये बाजू में क्या मतलब पूरा खेतर ही है ये पूरा फार्म है, यहाँ पे ओपन फार्म है। आप उसकी प्रकृति की जो बोल रहे हो कि हवा वगैरह जो भी है, दोपहर को आते हो तो सर जी इसका भी आनंद ले सकते हो। ये पूरे यहाँ पे प्लांटेशन है, ट्रीज आप देख सकते हो, ये आपको कहीं पे भी मतलब ऐसा तो सिटी में जो नहीं मिलेगा वो सब चीजें इधर मिलेगी। डेफिनेटली सर। तो चलिए दोस्तों यहाँ के प्लेयर से बात करते हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों अभी आप देख सकते हो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम है हुसैन भाई, पावागढ़ वाला। हुसैन भाई तो आप कितने टाइम से इधर आते हो? मैं तो काफी टाइम से इधर आता हूँ। और अभी ये कैसा माहौल कैसा लग रहा है मतलब? इट इज वेरी ग्रेट एंड अ प्लेजर एटमॉस्फेयर हियर, मतलब बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अभी और एक किसी को बोलते हैं अभी क्या है दोस्तों चालू में मतलब मैच चल रही है और मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ दोस्तों, उनको डिस्टर्ब ना हो ऐसे। हेलो भाई कैसे हो? बस ठीक हो साहब। तो भाई ये क्रिकेट खेलने आए हो, कैसा मजा आ रहा है? अभी ये अभी मुझे ऑस्ट्रेलिया में मैं हूँ ऐसा लग रहा है क्योंकि आजू बाजू देखो। और ऐसा ऐसा भाई ऐसा है कि कभी अपने अहमदाबाद में ऐसा अपने लोग खेले भी नहीं? ऐसा ऐसा है ही नहीं ऐसा माहौल। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो मतलब एक पूरा फैमिली जैसा बहुत मजा आ रहा है। अभी आप देख सकते हो कि बाहर भी देखे दोस्तों फैमिली लोग आए हैं, छोटे बच्चे भी आए हैं देख सकते हो, और पार्किंग की भी सुविधा है। तो दोस्तों अभी मैं और समीर भाई खेलेंगे, कैसा है आपको बताएंगे? चालू। तो दोस्तों अभी अपने स्टार्ट करते हैं। और समीर भाई ये बैट कैसा है मतलब क्या प्लास्टिक का है? प्लास्टिक बैट है सर। तो चले दोस्तों एक दो बॉल ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। देख सकते हैं मैंने 10 साल के बाद मतलब बैट पकड़ा हुआ, पहली बॉल पे 6 मारा, दूसरा बॉल भी ट्राई करते हैं। तो दोस्तों बहुत मतलब मजा आ रहा है, मतलब कि पूरा एक फैमिली पैकेट है। अभी आप देख सकते हो दोस्तों कि पूरी फैमिली भी आई है। तो अभी हम लास्ट समीर भाई को बोलते हैं इधर कैसा चार्जेस रहने वाला है। चलिए तो दोस्तों अभी आपने देखा कि पूरा नॉलेज बताया मतलब समीर भाई ने। तो समीर भाई अभी लास्ट में ये बता दीजिए कि समझ लो किसी को क्रिकेट खेलने के लिए आना है तो क्या चार्जेस रहने वाला है? सर इसमें
मॉर्निंग टू इवनिंग है, जो सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, 6 बजे तक पर आवर, पर आवर 1000 रुपीज चार्ज है, 1000 मतलब पर पर्सन, पर पर्सन अगर इसमें आप 16 आदमी खेलते हैं, ओके 8 per team मतलब 8 आदमी एक टीम में होते हैं तो 16 आदमी खेलते हैं तो 62 रुपीज एंड 50 पैसा जो वर्थ है एक आदमी के लिए, उतना चार्जेस है, मतलब पूरी टीम का कितना होने वाला है सर जी? 1000 वो, और 1000 में कितना टाइम खेल सकते हो? 1 घंटा पूरा खेल सकते हैं और 16 आदमी खेल सकते हैं सर। ओके, मतलब ये तो बहुत कम प्राइस है, मतलब 1000 रुपए में 1 घंटा खेल सकते हैं और वो भी पूरी टीम में, पूरी टीम। और समझ लो कि अगर समझ लो मैं ही हूँ, ठीक है, और मैं मुझे खेलना हो 1 घंटा तो कितना है? 1000 रुपया लगेगा, मतलब उसमें भी 1000 रुपया। तो उसमें मतलब के बेनिफिट ये है कि टीम के साथ आए तो उसमें मजा है। टीम के साथ ही खेलने में मजा आता है ना, कि अगर 16 आदमी आप लोग खेलेंगे दो टीम बना के तो उसमें आपको पैसा भी कम लगेगा और 1 घंटा की जगह 2 घंटा भी आप खेल सकते हो। तो 62 × 2 मतलब 112-114 रुपए जैसा आपको लगता है एक पर पर्सन, जो वर्थ है बिल्कुल। और नाइट चार्जेस जो है इसमें 6 बजे से शाम को 6 बजे से लेके मॉर्निंग 6 बजे तक 1400 रुपीज पर आवर है, मतलब कि रात को भी रहता है सर जी? रात को भी पूरी नाइट चलता है। अगर लोग रात को खेलने के लिए आते हैं, ज्यादातर लोग रात को ही खेलने के लिए आते हैं, तो जैसे अभी आप देख सकते हो कि नाइट में भी चालू है, लोग खेलते हैं तो लाइट वगैरह भी रहता है, लाइटिंग भी सर जी बहुत अच्छा, मतलब कि कोई दिक्कत जैसी नहीं है। और पार्किंग की भी सुविधा है सर जी, बाथरूम की भी और कैंटीन की भी, और सिटिंग अरेंजमेंट तो आप देख चुके हो, बहुत ही अच्छा सर, मतलब कि आराम से सर जी देखने जाएं तो 200-300 लोग तो आराम से बाहर बैठ के देख सकते हो। सर, कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाहे तो भी मुझे कांटेक्ट करें, मेरे जो कांटेक्ट नंबर है वो सब बोर्ड में मैं डिस्प्ले पे बता दूंगा सर जी, एड्रेस भी बता दूंगा सर। ओके सर, और आप गूगल मैप से वो कैप्शन भी डाल देना, हाँ सर, ताकि किसी को डायरेक्ट आना हो तो डायरेक्ट भी आ सके। ओके सर जी, आपने पूरा वीडियो में बहुत ही अच्छा बताया, कुछ यूनिक बताया हमारे दोस्तों को, तो सर जी आपका शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच।